पंचायती राज चुनाव के 9वें चरण के मतदान के तहत चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने पूरे जोर शोर के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इसी क्रम में बख्तियारपुर प्रखंड के पूर्वी बख्तियारपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 से जिला परिषद उम्मीदवार मोहम्मद हलीम ने आशीर्वाद यात्रा निकाली। इस दौरान मोहम्मद हलीम के समर्थकों का सैलाब नजर आया। लोगों ने जमकर मोहम्मद हलीम जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्हें जीत दिलाने का भरोसा जताया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद हलीम ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह जात पात से उठकर हर वर्ग का विकास करेंगे। वहीं मोहम्मद हलीम के साथ लगातार चुनाव अभियान में शामिल रहे समाज सेवी गुड्डू सिंह ने उन्हें एक बेहतर जनप्रतिनिधि बताया। जनता आप पे कितना भरोसा जता रही है? जनता बहुत मेरे पीछे है, बहुत भरोसा जता रहे हैं और पूरे समाज में है, पूरा बाद पंचायत में 60 बाद है तब में मेरा ध्यान दे रहे हैं। हम जनता ध्यान देना है। हाँ बोलिए। इस बार जिला परिषद बनाती है तो क्या कुछ आप जनता के लिए? जनता करना है कि मानी गरीब है अमीर है तब तो ध्यान देना है, नाला है रोड है तब तो देखना मेरा काम है। हलीम जी क्या कुछ जनता को आप अपील करेंगे? मैं जनता कर रहा हूँ टोटल खाप पर मोहर देने, जनता से मेरा बनाना है। लगातार आप भी मोहम्मद हलीम साहब के जनसंपर्क में इनको मदद कर रहे हैं, पटना से चल के आए, क्यों इनके पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं? क्या इन पे नज़र आपको आएगी इनके पीछे पटना से चलकर इनके लिए काम कर रहे हैं आप? मोहम्मद हलीम जी एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, ये अनवरत, ये कोई चुनाव है तो नहीं, चुनाव के से अलग हटकर भी ये अनवरत है जो कि जनता के बीच में रहते हैं, सुख दुख के सहभागी रहते हैं। इस कारण से इनके चुनाव प्रचार में विशेष रूप से हम यहाँ पर एक सप्ताह से कैंप किए हुए हैं। इनके बख्तियारपुर पूर्वी जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 37 में कुल 7 ग्राम पंचायत हैं जहाँ कुल 105 मतदान केंद्र हैं। तमाम बूथ कमेटी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, एक सुव्यवस्थित तरीके से कार्यकर्ता इनके पक्ष में गोलबंद हैं और इस बार इनकी विजय अवश्य भावी है। चूंकि विकास तो दूर, सर्वप्रथम ये 5 वर्षों तक अनवरत क्षेत्र में जनता के बीच रहने वाले ये सच्चे समाज सेवी हैं, सुख दुख में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सड़क दूर से अलग हटकर भी मानवता इनका धर्म है, इनका मानना है, इनके लिए जाति वर्ग मजहब कोई मायने नहीं रखता है। और ये आम मतदाता से अपील भी कर रहे हैं कि मानवता सबसे ऊपर है, समाज सेवा सर्वोपरि है, इसलिए हमको वोट दीजिए। इस बार बड़े बड़े नेता जिनके पीछे खड़े हैं, इनके पीछे आम मतदाता खड़ा है। पूरा बख्तियारपुर पूर्वी जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता बहुसंख्यक हैं मोहम्मद हलीम जी के पीछे दीवाने हैं, खासकर नौजवान लोग, माँ बहन, हर मजहब संप्रदाय के लोग, हर जाति वर्ग के लोग मोहम्मद हलीम के पक्ष में इस बार गोलबंद हैं। जो निवर्तमान जिला परिषद सदस्य है या अन्य जो यहाँ प्रत्याशी हैं जिनके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, सब लोगों का पसीना छूट रहा है। इस बार मोहम्मद हलीम जी की जीत निश्चित है और ये बख्तियारपुर की आवाज़ बनेंगे पटना जिला परिषद में, बख्तियारपुर क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के आम मतदाता के हक हकूक के लिए। ये पूरी मजबूती से एक जनप्रतिनिधि होने का ये दायित्व का निर्वहन करेंगे। इसी लक्ष्य के साथ ये प्रत्याशी बनकर आए हैं और लोग से लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो इनका चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर ईवीएम क्रमांक 6 पर है उसके सामने बटन दबाएं और इनको विजयी बनाएं। एक समाज सेवी होने के नाते आप क्या अपील करेंगे लोगों से? हम लोगों से करेंगे कि आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म मजहब जाति ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर एक सच्चे समाज सेवी को आपको वोट देना चाहिए। और मोहम्मद हलीम जी सबसे सुयोग्य प्रत्याशी हैं इस बख्तियारपुर पूर्वी जिला निर्वाचन क्षेत्र में, इनको वोट देना मतदाता का धर्म बनता है।
चूंकि जो सच्चा प्रत्याशी सच्चा उम्मीदवार है अगर वो जीतता है तो जनता की अपेक्षाओं पर उम्मीदों पर खरा उतरेगा और निश्चित रूप से मोहम्मद हलीम सबसे योग्य प्रत्याशी हैं और इस बार इनकी जीत सुनिश्चित है।